नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं ब्रजेश। आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि आधार में दी गई जानकारियां सुरक्षित हैं और किसी भी कीमत पर ये लीक नहीं हो सकती, लेकिन ट्राई चेयरमैन के आधार नंबर के जरिए उनकी निजी जानकारियां लीक करने और नुकसान पहुंचाने का ट्विटर पर चैलेंज दिया गया तो फौरन उनकी निजी जानकारियां कुछ लोगों ने लीक कर दी। ऐसे में आधार की सुरक्षा और निजता को लेकर बहस एक बार फिर शुरू हो गई, इसी पे बात करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए। क्या आधार कार्ड पूरी तरह सुरक्षित है? क्या आधार नंबर के जरिए आपकी निजी जानकारी हैक हो सकती है? आधार की सुरक्षा पर बहस काफी वक्त से जारी है। अब इस बहस को एक और मोड़ मिल गया है। ट्राई के चेयरमैन के एक चैलेंज ने आधार की सुरक्षा को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। शनिवार को ट्राई के अध्यक्ष आर एस शर्मा ने ट्विटर पर अपने आधार कार्ड का नंबर जारी किया। उन्होंने एक ट्विटर यूजर के सवाल के जवाब में अपना नंबर साझा किया और चैलेंज किया कि अब आप मेरी जानकारी को नुकसान पहुंचाकर दिखाएं। उनकी इस चुनौती के कुछ मिनटों के बाद ही उनके आंकड़े ट्विटर पर लीक हो गए। ये जानकारी जिस ट्विटर हैंडल से लीक हुई वो था @FS0C131Y और शख्स है एलियट एंडरसन, जिसकी ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक वो एक फ्रांसीसी सुरक्षा रिसर्चर है। एंडरसन ने ट्वीट्स की श्रृंखला में शर्मा के निजी जीवन के कई आंकड़े जारी कर दिए, जिनमें शर्मा का निजी पता, जन्म तिथि, वैकल्पिक फोन नंबर भी शामिल है। आधार का डेटा सार्वजनिक करना अपने किसी में गलत एक मिसाल पेश कर रहा है और उसका जितना नुकसान होना था आधार की विश्वसनीयता के लिए वो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एंडरसन ने ये भी लिखा कि अगर आपके फोन नंबर्स, घर का पता, जन्म तिथि, बैंक अकाउंट्स और दूसरी निजी जानकारियां आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएं तो आपकी कोई निशान नहीं है, एंड ऑफ द स्टोरी। एंडरसन ने यह भी लिखा कि लोग आपका निजी पता, वैकल्पिक फोन नंबर से लेकर काफी कुछ जान सकते हैं, मैं यहीं रुकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अपना आधार संख्या सार्वजनिक करना एक अच्छा विचार नहीं है। हालांकि एंडरसन ने पोस्ट करते वक्त उन हिस्सों को ब्लर कर दिया था जिससे शर्मा की निष्ठा को नुकसान हो। ट्राई चेयरमैन के आधार चैलेंज देने, उसके बाद उनकी जानकारियां शेयर होने से बहस एक बार फिर शुरू हो गई है कि क्या आधार पूरी तरह सुरक्षित है और क्या व्यक्ति की निजी जानकारियां सुरक्षित हैं। शर्मा के बचाव में भी बहुत लोग आए और ये कहा जा रहा है कि जो भी जानकारियां लीक होने का दावा किया जा रहा है वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। आधार कार्ड के 12 अंक के नंबर के साथ आम लोगों की कई निजी जानकारियां जुड़ी होती हैं। सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाओं, बैंक खातों और दूसरे सरकारी कामकाज के लिए आधार कार्ड काफी जरूरी है, लेकिन जिस तरह डेटा चोरी के मामलों ने दुनिया भर में तूल पकड़ा है उसे देखते हुए ऐसे उपाय की जरूरत है जिससे सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि सवाल खड़े हुए हैं आधार की सुरक्षा को लेकर, लेकिन UIDAI की तरफ से साफ तौर पर क्लैरिफिकेशन आया है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि आधार का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है, इसमें सेंध बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती और आरएस शर्मा को लेकर जो भी जानकारियां दी गई हैं वो किसी दूसरे सोर्सेज से इकट्ठा की गई हैं, तो इसलिए लोगों को परेशान होने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चिंता तो खड़ी होती है और लगातार ये बहस चल रही है कि आपके जो पर्सनल डेटा हैं क्या वाकई वो सेफ हैं, आधार के जरिए क्या उनके लीक होने की आशंका तो नहीं है। इसी पर एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे क्योंकि एक बार फिर से ये मसला खड़ा हुआ है। मेरे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान, प्रशांत माली, साइबर लॉ एक्सपर्ट, सचिन देदिया, एथिकल हैकर, और हिमांशु वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में है, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन हिमांशु, शुरुआत आपसे ही करेंगे जी। क्या वाकई ये इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मन में शंका पैदा होती है, जो कुछ भी हुआ है आरएस शर्मा जी को लेकर, क्या माना जाए वाकई जो डेटाबेस है वो सुरक्षित है आधार का? जी देखिए, पहले तो मैं इसमें बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा देना चाहूँगा। बैकग्राउंड ऐसा कि जो आरएस शर्मा जी हैं वो UIDAI के पहले डायरेक्टर जनरल प्लस मिशन डायरेक्टर थे जी,
उसके बाद उन्होंने ट्राई का जो है चेयरमैन बनाया गया, और साथ ही साथ एक आईएएस अधिकारी है जो आर एस शर्मा जी का जो बैकग्राउंड, पहले आर एस शर्मा जी जो है ये पहले यूआईडीएआई के जो है डायरेक्टर थे, डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर जनरल थे, और साथ ही साथ उन्होंने उनके पास जो डायरेक्टर ऑफ द मिशन का भी, इस पूरे मिशन का भी जो है जिम्मा था उनके ऊपर, तो उसके बाद उन्हें ट्राई का जो है चेयरमैन बनाया गया, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अहम पदों पर रह चुके हैं। 1978 बैच के आईएएस हैं, उनको भारत का थिंक टैंक कहा जाता है जब डेटा की बात आती है। अभी जो डेटा अथॉरिटी बनने वाली है, डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, शायद हम सुन रहे हैं कि उसके भी वो चीफ बनाए जाएंगे। तो पहले तो इस तरह की जो उन्होंने चैलेंज दिया, जो ओवर एक्साइटमेंट में आके उन्होंने ऐसा कथन किया, वो भी ट्विटर पे, जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, वो भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पे ओवर एक्साइटमेंट में जाके, ये बड़ा ही हास्यास्पद है और साथ ही साथ बड़ा ही निराशाजनक है कि इतने वरिष्ठ पदों पर बैठे आसीन व्यक्ति इस तरह का चैलेंज पेश करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उनका जो उद्देश्य था, मुझे जो समझ में आता है वो ये था कि इस चैलेंज के द्वारा वो स्थापित करना चाहते थे कि ये सिस्टम पूरी तरह से फूल प्रूफ है और इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ प्रशांत माली जी हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, सचिन देदिया हैं, एथिकल हैकर, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले तकनीकी दिक्कतों की वजह से मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था उनको, मतलब आप नहीं देख पाए थे। मेरे साथ प्रशांत माली भी हैं। प्रशांत माली, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि हिमांशु कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था आर एस शर्मा को, उन्होंने इसीलिए किया है कि लोग कोशिश कर लें ताकि ये हम अपनी तरफ से स्थापित कर पाएं कि आप इसमें सेंध नहीं लगा सकते हैं, ये पूरी तरह से फूल प्रूफ सिस्टम है। आधार का आधार निकल जाए, उसको किसका आधार, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आंसर करने की जरूरत है। आज उन्होंने अपना आधार कार्ड सबको रिलीज कर दिया, आधार कार्ड का नंबर जो है अभी पूरी दुनिया उनका जानती है। इसके बाद क्या, उससे लिंक जो भी चीजें हैं वो मार्केट में आज नहीं आई, कल आ जाएगी, सबको पता चलेगा। हम जिस चीज के लिए झगड़ रहे हैं कि इस आधार नंबर को यूआईडीआई खुद एक दूसरा डिजिट लेके आया, दूसरे कोडिफिकेशन का माध्यम लेके आया ताकि ये नंबर किसी को रिलीज ना हो, अगर ये नंबर इन्होंने खुद ने ही रिलीज कर दिया तो क्या एक वरिष्ठ जगह पे ऐसे करना चाहिए, बाकी लोग भी फिर रिलीज करेंगे, या जिन सरकारी और डिपार्टमेंट लोगों ने रिलीज किया है हमारे और आपके नंबर, वो ये कहेंगे कि तो ये आर एस शर्मा जी ने खुद रिलीज कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। तो ये नंबर क्या सरकार इस वरिष्ठ अधिकारी का नंबर चेंज करेगी, क्या इसी नंबर के साथ उन्हें भी जीना पड़ेगा जैसे कि लोगों को जीना पड़ेगा जिनके नंबर बाहर जा रहे, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये प्रिवेसी गोपनीयता का हनन है। आज जो डेटा प्रिवेसी एक्ट हमारे पास आ रहे हैं, और जो पहले वाले पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि डेटा प्रिवेसी जो अथॉरिटी बनेगी, जिसके ये अध्यक्ष बनने की शायद इनका नाम आ रहा है, तो क्या आप खुद ही डेटा लीक करके फिर आपको लोग कैसा देखेंगे, क्या आप डेटा लीकेज के साथ है, तो ये सारे सवाल जानना बहुत जरूरी। और समझो कल यूआईडीआई जाके सचमुच कुछ डेटा ये निकाल लाते हैं और केस फाइल करने की कोशिश करते तो कह रहे हैं सर, इनकी बाकी के प्रशांत माली जी, मैं आपसे और हिमांशु, तो क्या आर एस शर्मा जी को अमेंडमेंट के लिए यूज करेंगे? नहीं, मेरा जो सवाल था वो ये है कि ठीक है उन्होंने अपना नंबर दिया, बराबर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात जो आ रही है कि उनका मोबाइल नंबर ये है, उनका एड्रेस ये है, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, और उनका ईमेल आईडी ये है, ये सारी चीज जो दावा किया जा रहा है, यूआईडीएआई का ये कहना है कि जैसे मोबाइल नंबर उन्होंने ये कहा है कि एनआईसी की साइट से लिया जा सकता है, क्योंकि वो हेड थे एनआईसी के, आईटी सेक्रेटरी थे, डेट ऑफ बर्थ की जहां तक बात है वो आईएएस ऑफिसर हैं, डीओपीटी की साइट पे आप जाएंगे तमाम सिविल सर्वेंट्स का डिटेल होता है, एड्रेस की जहां तक बात है ट्राई की वेबसाइट से आप ले सकते हैं, ईमेल का जहां तक सवाल है आईआईटी दिल्ली एलुमनाई के पोर्टल से उसको लिया जा सकता है, इसके अलावा पैन और आधार नंबर तमाम वेबसाइट जो है जब आप उस पर लॉग इन करते हैं तो उसकी जानकारी मांगते हैं तो वहां से लिया जा सकता है। उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, गूगल करके आपने सर्च कर लिया, क्लब किया और आपने पेश कर दिया दिखाते हुए कि हमने आधार की वेबसाइट से हैक किया है। ये कहां से सिद्ध हो रहा है, कहां से ये प्रूव हो रहा है कि आधार की वेबसाइट से ही हैक करके तमाम जानकारियां दी गई है? मैं ये सवाल सचिन आपसे जानना चाहता हूं इसका जवाब। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे पहले अगर उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो वो डेट ऑफ बर्थ फेसबुक और लिंक्डइन दोनों के ऊपर से मिल जाता है, ईमेल आईडीज ट्रू कॉलर के ऊपर से मिल जाएंगे, अगर आज भी हम ट्रू कॉलर के ऊपर जाके खाली नाम डालते हैं, दिल्ली डाल देता हूँ, तो उनके नाम से हार्डली 4-5-6 लोग मिलते हैं, 4-5 मोबाइल नंबर मिल गए, वो आधार की वेबसाइट के ऊपर डाल के
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किसके पास ओटीपी जा रहा है वो आधार नंबर के साथ। तो इन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ट्विटर के ऊपर वो सारी गूगल के ऊपर सर्च मार के दी है, किधर से भी ये प्रूव नहीं किया जा रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आधार के डेटाबेस से ली गई है करके। उतना तो पक्का है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल से, उन्होंने खुद ट्विटर के ऊपर लिखा है कि ये ईमेल आईडी इधर से मिला है, ये वाला ईमेल आईडी यहाँ से मिलता है। तो ये कहाँ से ये नहीं प्रूव हो पा रहा है कि इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो आधार की वेबसाइट से मिली है उनको। जी तो हिमांशु, ऐसे में तो ये प्रूव होता है कि आधार का जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरह से सुरक्षित है? नहीं देखिए, इससे ये प्रूव नहीं होता कि आधार का सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वो इसलिए भी प्रूव नहीं होता क्योंकि देखिए कई बार इस तरह के डेटा ब्रीचेस सामने आए हैं जहाँ पे मे बी आर एस शर्मा जी का नहीं लेकिन अन्य कई सारे लोगों का जो है डेटा ब्रीच हुआ है, जहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ, नॉट ओनली डेट ऑफ बर्थ या उनकी ये सारी डिटेल्स बल्कि बैंक डिटेल्स भी वहाँ से लीक हुई हैं। तो ये कहना गलत है कि डायरेक्टली वो UIDAI की वेबसाइट से लीक हो रहा है, लेकिन अन्य कई जगहों पे जहाँ पे हमें अपना आधार नंबर देना पड़ता है इंट्रिंसिकली, देखिए अगर आप इंट्रिंसिक रूप से देखिए, अगर स्वाभाविक रूप से देखिए तो आधार वॉलंटरली नहीं था। 2016 जो एक्ट आया आधार एक्ट, उसमें भी जो सेक्शन 47 है वो किसी को भी ये जो है जुडिशियल राइट नहीं देता है कि वो डायरेक्टली इस चीज को जो है चैलेंज कर सके अगर कि उसका आधार नंबर लीक हो जाता है। तो आर एस शर्मा जी ने देखिए बात तो ऐसी करी है जो कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में है, लेकिन ऐसा करना और फिर उसके ऊपर जो सारी डिटेल्स फर्निश होती हैं तो कहीं ना कहीं देखिए प्रश्नचिन्ह लग रहा है। साथ ही साथ जब हम ये देखें कि देश में अन्य जगहों से जब आप अपना जो है, अभी मैं दो जजमेंट्स की बातें करना चाहूंगा बहुत जल्दी से। 24 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने और मद्रास हाईकोर्ट ने दो अपने डिसीजंस लिए हैं जिसमें कि जो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपको जो अपना आधार कार्ड मैंडेटरी वाला जो ऑप्शन है वहां पे उन्होंने कहा नो ऑप्ट आउट करने का भी ऑप्शन वहां पे खोलना होगा इनकम टैक्स रिटर्न में। तो कहने का मतलब है देखिए सारी संस्थाओं को, उच्च संस्थाओं को भी, सबको ये पता है कि कहीं ना कहीं ये लीकेज हो सकता है। जो अगर मैं बात करूं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में डेटा जो हमारी राइट टू प्राइवेसी का जो जंग चल रही है उसमें भी जो 10 मई को जो चीफ जस्टिस सॉरी जो पांच जजों की जो बेंच थी उसमें भी यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जो पांच जजों की, उसमें भी जो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने उन्होंने ये स्पेसिफिक रूप से कहा कि ये जो सबसे ज्यादा गंभीर विषय है वो है डेटा का जो कि लिंक्ड है आधार से और उससे इलेक्टोरल मतलब जो भी इलेक्शंस का हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको भी किसी ना किसी तरह प्रभावित किया जा सकता है। 112 करोड़ से ऊपर आधार हो चुके हैं हमारे देश में, लोग लिंक्ड हो चुके हैं आधार से जिसमें उनकी सारी डिटेल्स है, पैन कार्ड से लेकर सिम कार्ड से लेकर घर के एड्रेस से लेकर ऑल द डिटेल्स आर मेंशन्ड विद दैट पैन कार्ड। और ऐसा कहना कि वो एकदम फुल प्रूफ है ये बिल्कुल बेमानी होगा इस समय। जी प्रशांत माली जी, आप भी मानते हैं कि बेमानी होगा क्योंकि UIDAI की तरफ से, और आर एस शर्मा तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्टर रहे हैं आधार के लिए, वो सपोर्ट करते हैं और बार बार उनका यही दावा है कि ये बिल्कुल सिस्टम फुल प्रूफ है, जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। आधार का डेटा लीक नहीं हुआ है, ये जो मीडिया में आ रहा है या कुछ लोग बोल रहे हैं कि आधार से डेटा लीक हुआ है, तो आधार के जो UIDAI के सर्वर से उसमें से कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि जो आधार नंबर है वो इन्होंने खुद ने दे दिया है, तो क्या आधार नंबर खुद से ही आप उसको ओपन कर दो? मैं इस पे हूं, क्या एक जगह पे हम लड़ रहे हैं कि आधार नंबर को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ देना चाहिए? और एक देश का वरिष्ठ जो अफसर है वो खुद ही छोड़ के ऐसे चैलेंज फेंकना, या जो उनकी भाषा परिभाषा रही है ट्विटर में संवाद करने की, वो भी एक आक्षेपार्य है कि क्या ऐसे बात करके हम, और जो हमारी इनका ही डेटा नहीं है ना आधार में, सिर्फ इनका ही डेटा नहीं है, सारी भारतीय नागरिकों का डेटा है, तो हम प्राइवेसी अगर हम सबको सिखाना चाहते हैं तो प्राइवेट कैसी चीजें रखी जाए ये भी हमको सबको जानना पड़ेगा। इसको देखते हुए ये चीज घटना नहीं घटनी चाहिए थी। जी तो तरीका आपको लगता है कि गलत था, उनको जिस तरह से अपना नंबर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे जो लगता है और जो लगातार शुरू से ही हम लोग बात कर रहे हैं वो यही है कि क्या यही तरीका था हिमांशु ये स्थापित करने का कि साबित करने का कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, हमने अपना आधार नंबर दिया, अब आप हमारी जानकारी निकाल के दिखा दो। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि इन जानकारियों से कुछ होने वाला नहीं है, आप हमें नुकसान पहुँचा के तो दिखाओ। जो एल्डरसन साहब हैं जो फ्रांस के सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है। तो शर्मा साहब ने कहा कि यहाँ पर आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर अच्छा ठीक है चलिए हम ये भी मानते हैं कि लिंक नहीं है तो क्या नुकसान है मेरा?
देखिए ये ऐसा कहना फिर से हास्यास्पद है और बड़ा निराशाजनक है कि आर एस शर्मा जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके, ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आके इस तरह की बातें कर रहे हैं. उन्हें प्रूफ करना पड़ रहा है बार बार जाके एक फ्रेंच रिसर्चर को, हमारा इतना बड़ा अधिकारी देश का, जिसके जिम्मे पे, जिसके कंधों पे पूरा का पूरा देश का डेटा और सिक्योरिटी और टेलीकॉम, इतनी बड़ी बड़ी पदों की जिम्मेदारियां हैं, उसे जाके ये बताना पड़ रहा है, उसे उत्तर देना पड़ रहा है. पहले ही उस पर यह होना चाहिए था कि ठीक है, अगर उनको ऐसा कोई भी चैलेंज थ्रो करना था तो पहले कि जितनी भी ये जानकारियां थी उनकी पर्सनल डोमेन्स पे, उसको उनको हाइड करना था, और हाइड करने के बाद ये देश के सामने प्रूफ करना था कि किसी भी तरह से, चाहे उनका जो है बैंक अकाउंट भी लिंक्ड है उस आधार से, चाहे उनका पैन कार्ड भी लिंक्ड है, चाहे उनके फोन नंबर्स भी लिंक्ड है, वो किसी भी तरह से जो है किसी के सामने भी नहीं रखा जा सकता. अगर उन्होंने ऐसा चैलेंज किया है और ऐसी ये सारी बातें आई हैं तो उनकी आधी तैयारी थी. और मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि उनको जो है डेटा प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है उसका हेड बनाने की कवायद चल रही है, तो मेरी समझ से ये देखिए पूरी तरह से बेमानी होगा. आपने सुना अभी प्रशांत माली जी भी कह रहे हैं और सचिन भी कह रहे हैं कि UIDAI की साइट से ये हैक नहीं हुआ. बिल्कुल सही बात है, UIDAI की साइट से नहीं हैक हुआ है, लेकिन कई अन्य जगहों पे जहां पे आप ये अपना नंबर फर्दिश करते हैं वहां पे भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां से वो डेटा लीकेज हो सकता है, अब्यूज हो सकता है और वो चोरी हो सकता है. देखिए मैं तीन जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, अब्यूज हो सकता है, चोरी हो सकता है और उसका यूजेज कहीं भी किया जा सकता है. तो ये तीन जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है ये डिफरेंट डिफरेंट परिपेक्ष में यूज किए जाते हैं और इसे हमें समझना होगा कि क्या डिफरेंस है. कभी भी अगर हम डेटा चोरी की बात करते हैं, डेटा अब्यूज की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि इसका मिस यूज कहीं पे हो जाए, तो इसमें तीनों अलग अलग बातें हैं. सचिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो एथिकल हैकर हैं और इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आप समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को. देखिए चिंता तो पैदा होती है जब इस तरह की बात होती है और हिमांशु तो खासे कह सकते हैं कि सशंकित हैं कि आपके जो डेटा है वो ब्रीच हो सकता है, उसका मिसयूज हो सकता है. मुझे ये बताइए कि ये जो तरीका अपनाया शर्मा साहब ने वो क्या सही था, कुछ और तरीका भी हो सकता था या इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था? और जो बात हिमांशु बार बार कह रहे हैं कि अगर डेटा ब्रीच होता है तो मिसयूज हो सकता है और ये सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है, आपका स्टडी, आपकी जानकारी क्या कहती है? जी मैं पहले प्रशांत जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि इनको अगर एक चैलेंज देना था तो अपना आधार कार्ड नंबर अगर डिस्प्ले ना करते थे, क्योंकि हम जो हैकर होते हैं हमको क्या चाहिए कि एक इनपुट चाहिए, आपका नाम मिल गया, आपका ईमेल आईडी मिला या आपका मोबाइल नंबर मिला, तो वो एक दो चीज़ को जोड़ के हम लोग और आगे 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 और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. इन्होंने क्या किया है कि एक तो ये पब्लिक सर्वेंट है तो इनका नाम ऑलरेडी पब्लिक में है, ईमेल आईडीज भी मिल सकते थे, मोबाइल नंबर मिल गया, प्लस एक बहुत अच्छी चीज़ जो उन्होंने खुद ही सामने से आके दे दी वो उनका आधार कार्ड था. ठीक है, तो अगर ये शायद ऐसे बोलते हैं जैसे फॉरेन में भी बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो बग बाउंटी प्रोग्राम देते हैं, जो बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट को आप ब्रेक करके बताओ, हमारे सर्वर को ब्रेक करो, तब वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो खाली ये बोलते हैं कि आप ही कुछ करके बताओ तो हम आपको मानते हैं और अच्छे खासे उन लोग रिवॉर्ड भी देते हैं. तो शायद शर्मा जी अगर ऐसे बोल सकते थे कि भाई जिसके पास भी अपना आधार कार्ड नंबर है वो मतलब यहाँ हमारी आधार की वेबसाइट को कुछ हार्म करके बताइए, कुछ ऐसा कुछ डेटा निकाल के बताइए जिससे ये प्रूव हो सके कि हमारी आधार की वेबसाइट के अंदर वीकनेस है, ना कि अपना आधार नंबर दे के. तो मेरे को लगता है थोड़ा आधार नंबर अगर ना दे के अगर ऐसी एक चैलेंज दी होती तो थोड़ा अच्छा रहता था ऐसा, क्योंकि अभी हमको एक और एक इनपुट फील्ड मिल गया है जहाँ पे हम थोड़ा कुछ और ट्राई कर सकते हैं उनके आधार नंबर के साथ. जी बट हिमांशु जी भी सही बोल रहे हैं, अब हमें उनका आधार कार्ड नंबर मिला है, डेट ऑफ बर्थ मिली है, ईमेल आईडी मिला है, तो जैसे वो इन्होंने शब्द यूज किया था अब्यूज हो सकता है, तो उनके नाम के शायद कोई आधार कार्ड नंबर बना के भी यू नो कहाँ पे भी जाके टेस्ट कर सकते हैं. जैसे आज हम होटल में जाते हैं तो होटल में जब हम किसी को हमारा प्रूफ देते हैं तो जब मैं आधार कार्ड देता हूँ तो उसके पास कोई वो कोई चेक नहीं करने बैठता कि भाई ये आधार कार्ड सच्ची में इनका है कि नहीं है. तो ऐसे ही कोई रेलवे में अगर कोई ट्रैवल कर रहा है अगर मैंने ऐसे प्रूफ बता दिया तो अभी मुझे आधार कार्ड किसी का बनाना होगा तो नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनका नंबर चाहिए और वो सारा अभी उनका पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया है. तो हिमांशु जो बोल रहे थे कि उनका अब्यूज़ होने का अभी हमको ज़्यादा थोड़ा चांस लगता है करके. जी तो माली साहब फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? आप तो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, UIDAI तो बार बार दावा कर रहा है लेकिन सचिन और हिमांशु दोनों ने शंका जताई है, तो फिर क्या माना जाए, इस शंका को कैसे दूर किया जाए? फिर
मैं तो पहले जनता जो हमें सुन रही है उनको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ शर्मा जी से गलती नहीं हुई है, अपने जो अपने ग्राहक हैं जो सुनते हैं वो भी कई बार ये गलती करते हैं कि अपना आधार नंबर पैन नंबर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या अपना आधार नंबर पैन नंबर की एक कॉपी बना के किसी ना किसी एजेंट्स को इन लोग व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, तो वो ना भेजें। और एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सारा आधार का जो मैकेनिज्म है ये हमारे बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है, हमारे अंगूठे से जुड़ा हुआ है, हमारे आँखों से जुड़ा हुआ है, तो हमारे जितने बायोमेट्रिक्स है वो लीक ना करे, कहीं ऐसी जगह पे अपना हाथ या अपना थंब बता के आपका फिंगरप्रिंट लीक ना करे खुद ब खुद, या कोई पाल्मेस्ट्री वाला ऐप में अपना पूरा हाथ स्कैन करके आप अपना जो फिंगरप्रिंट्स है या पाम प्रिंट है वो लीक ना करें। हमें भी इस तरीके के अगर हम अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ये करेंगे तो ही हम भी इससे बच सकते हैं। आर्य शर्मा जी को जो इस पद में बैठे, पहली बात तो उनके पास ये हक नहीं था क्योंकि वो ट्राई के अध्यक्ष है, वो यूआईडीआई के अध्यक्ष नहीं है, और यूआईडीआई को अगर करना था तो यूआईडीआई को एक प्रॉपर हैकाथॉन जो या बग बाउंटी प्रोग्राम जिसे कहते हैं, जब आप हमें आके लूटो, हमें आप हमें तोड़ो, फिर हम आपको बख्शीश देंगे ताकि आप हमारे सिक्योरिटी में सेंध लगा रहे हैं, ये करने की अथॉरिटी यूआईडीआई की थी, ये इनकी थी नहीं। ये इन्होंने एक फालतू में बहस छेड़ दी या इनका जो भी कोई मनीषा रहे हो, पर इससे क्या हुआ है कि फिर आधार चर्चे में आ गया, फिर आधार के नंबर के बारे में और आधार से लिंक्ड वाली जो चीज़ें हैं वो लोगों के मन में खौफ या लोगों के मन में कुछ और इसके बारे में डर पैदा करने वाली जो कोशिश इनके माध्यम से हुई है। आगे जाके अगर ये हैकर्स और इनसे जुड़ गए और कुछ बातें निकाल के ले आए, इनकी फैमिली की बातें और निकाल के ले आए, इनकी प्राइवेसी का फिर तब बड़ा ब्रीच हो जाएगा, फिर इनकी फैमिली की, इनकी बेटी या इनकी वाइफ या इनके किसी के फोटो अगर ये ले आए सोशल मीडिया पे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये करने के पहले मेरे ख्याल से इनको सोचना चाहिए था, प्राइवेसी अपने प्राइवेसी हो या नागरिकों की प्राइवेसी हो, गोपनीयता हो, उसे खेलना इस लेवल पे मैं समझता हूँ थोड़े शर्मनाक है जी। और आर्य शर्मा जी ने जो भी कुछ किया अब सफाई यूआईडीआई को देनी पड़ रही है, बार बार उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है और गलत तरीके से फैलाया जा रहा है, कुछ लोग चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। आप हिमांशु आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये अब एक तरह का कुछ बिजनेस भी बनता जा रहा है? नहीं, देखिए आधार जिससे इतना सारा डेटा लिंक्ड है आपका, आपके पैन कार्ड डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपके जो है घर का एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर, सब कुछ लिंक्ड है, तो अपने आप में डेटा देखिए सबसे बड़ा इस समय जो है टूल है जिससे आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, जिससे आप इसको जो है मोबाइल कंपनीज को बेच सकते हैं, इसको बहुत सारे जो है डिफरेंट आप ई कॉमर्स वेबसाइट को बेच सकते हैं। तो डेटा का जो खेल है देश में ये सबसे बड़ा बिजनेस उभर के आने वाला है अगले 2 या 3 सालों में। और अभी भी अगर मैं देखूं, हर रोज़ मैं ये खबरें सुनता हूं, मैं फॉलो करता हूं, देखता हूं, उसको सुनिश्चित करता हूं कि ये इस तरह की जो पूरे हमारे देश में जो भी जो कारोबार चल रहा है वो 20-25% इस समय जो है पूरा का पूरा डेटा का खेल चल रहा है, चाहे आप उसको इलेक्शंस में देखिए, चाहे आप उसको टेलीकॉम कंपनीज पे देखिए, चाहे आप उनको जो है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए देखिए। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं हमारे देश में ये पूरा का पूरा आधारित है डेटा पे। और इस पूरे आधार के बाद अगर हम सारी अपनी इंफॉर्मेशन एक 12 डिजिट के नंबर से एक कार्ड से जोड़ देते हैं तो कितना आसान हो जाएगा किसी के बारे में भी कुछ भी पता करना। तो ये फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। ये बहुत सारी जानकारी तो पैन में भी होती है, आधार तो ठीक है, पैन से भी आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स। वही बात कहना चाह रहा हूँ, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कर रहा हूँ, जितने भी मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं, कहाँ पे मैंने क्या पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारे जो क्रिटिकल, बहुत ज्यादा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जो की खाली। लेकिन फिर मुझे समय नहीं है इसलिए मैं बहुत माफी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी सवाल आपसे, ये ऐसे में आम आदमी करे क्या? क्योंकि आज आप कुछ भी आपको करना है आपसे फौरन किसी भी वेबसाइट पे आप लॉग इन करेंगे, आधार नंबर दीजिए, पैन नंबर दीजिए, अपना फोन नंबर दीजिए, तो वो सारी जानकारी तो वैसे ही ले। सारे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर आपसे आधार नंबर मांगता है और कहता है मैंडेटरी है, चाहे वो जो है टेलीकॉम कंपनीज भी मांग रही हो, तो वो इस समय गैर कानूनी है, क्योंकि इस ये जो मामला है वो जो है हमारे उच्च न्यायालय के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने जो है वो जो है अभी लंबित है, और इसका नतीजा जो है हम अगस्त में देख सकते हैं, आ सकता है। 10 मई को इसकी लास्ट हियरिंग हुई थी, 38 दिनों तक ये हियरिंग चली थी, जो कि सबसे सेकेंड सबसे बड़ी हियरिंग है पूरे देश में किसी भी जो है मामले के ऊपर। तो हमें
अभी इंतजार करना होगा। श्री कृष्ण कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें भी थोड़ा सा और इसको चुस्त करने की बात है। बिल्कुल सही बात है, चुस्त करने की बात कही गई। तो हमें जो है अपने आधार कार्ड के नंबर को और सारी जितने भी डिटेल्स है, जो हमारी पर्सनल डिटेल्स है, उनको फ्रीली फ्लो नहीं करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फ्रीली किसी को नहीं देना है, चाहे हम कन्वीनियंस ले पाए किसी चीज की चाहे ना ले पाए। बहुत ही इंश्योर करना है, दिमाग में रखना है कि इस तरह की डिटेल्स हम किसी को भी ना दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों के लिए खास संदेश जो हमारे मेहमानों की तरफ से आया, एक्सपर्ट्स की तरफ से आया है, वो यही है कि अपना आधार नंबर सोशल वेबसाइट पे तो कतई आप डिक्लेयर ना करें, डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि खतरा हो सकता है। UIDAI तमाम दावे कर रहा है कि सिस्टम फूल प्रूफ है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात बरतना जरूरी है। फिलहाल इस खास पेशकश में बताएं।